क्लास टेंथ अपन समांतर माध्य के सामान्य प्रश्न कर रहे हैं। समांतर माध्य क्या कर रहे हैं? सामान्य प्रश्न, समांतर माध्य के सामान्य प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखो, यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, समांतर माध्य क्या दिया हुआ है? 4। x का मान ज्ञात कीजिए, जो x दिया हुआ है अपने को इसका मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य पहले से दिया हुआ, उत्तर अपने को दिया हुआ है, उत्तर अपने को दिया हुआ है, समांतर माध्य 4 है। x का मान ज्ञात करना है, यहाँ जो x है उसको संख्या वहां पे क्या आएगी, उस x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो अपने को ज्ञात करना है। x के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले आंकड़ों का योग करना है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग कैसे करोगे? 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 आंकड़ों का योग 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 तब इनको जोड़ना है। 3 + 4 = 7 + 8 = 15 + 5 = 20 3 = 23 + 2 = 25 + 1 = 26 इसमें क्या नहीं जोड़ा अपन ने, क्या नहीं जोड़ा? प्लस एक्स नहीं जोड़ा, संख्या संख्या जोड़ ली अगर अपन ने, केवल संख्या संख्या को जोड़ लिया, इसमें एक्स नहीं जोड़ा, तो 26 प्लस क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग क्या आया? 26 + x जोड़ा अपन ने, जैसे 3 + 4 = 7 + 8 = 15 + 15 = 20 + 23 = 25 = 26 आ गया। जोड़ना क्या बाकी रह गया? प्लस एक्स। तो अगर आप इसको 26x लिखते हो ऐसे तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत क्यों हो जाएगा? 26x का मतलब क्या हो गया? 26 × x हुआ, हमें क्या करना है? प्लस करना है, इसलिए 26 + x करना पड़ेगा। क्या करना है? प्लस एक्स, 26 + x क्या हो गया? 26 + x हो गया। आंकड़ों जो कितना आया? 26 + x। अब आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी आई? 8। आंकड़ों का योग 26 + x आया, आंकड़ों की संख्या 8। संख्या में गिनना है, कितने को गिनने पर कितना आ रहा है? 8। आंकड़ों का योग आया 26 + x, संख्या कितनी? 8। समांतर माध्य अपने को दिया हुआ है, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 4। समांतर माध्य दिया हुआ कितना? दिया हुआ 4। तो माध्य बराबर क्या होगा? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, माध्य बराबर क्या होगा? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कितना है माध्य? 4 / 1 आंकड़ों का योग 26 + x, संख्या कितनी है? आंकड़ों का योग 26 + x, संख्या कितनी है? 8। और जो गुणा कर लो,
इधर आया, ए के पास में क्या आया, 26 प्लस एक्स, चार कहाँ चला गया, आठ के पास, चार इंटू आठ, वापस ये आ गया 26 प्लस एक्स आ गया, आठ सौ 32, 26 प्लस एक्स बराबर क्या आ गया 32, अच्छा था कर दो इसको, प्लस मेरा क्या बन जाएगा माइनस, एक्स बराबर 32 माइनस 26 कितना बच गया 6, एक्स का मान कितना आ गया 6, अच्छा तो क्या अपने प्लस 26 उधर क्या बन गया माइनस 26, एक्स ज्ञात करना है अपने को, सर मान एक्स ज्ञात करना है तो क्या आ गया एक्स बराबर प्लस 26 उधर क्या बन गया माइनस 26, 32 माइनस 26 कितना आ गया एक्स का मान 6, कितना आ गया एक्स का मान 6, आ गया एक्स का मान 6। अगला सवाल देखो, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए, रनों का औसत ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है, औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 6, 7, 8 में करके अपने औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है रन दिया हुआ है, तो रनों का योग, रनों का योग साठ, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9, 71, 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9, 71, जोड़ लेंगे एक बार पहले, 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9, 71, 6, 2, 8, 6, 12, 7, 19, 3, 22, 29, 6, 2, 8, 6, 12, 10, 22, 7, 29, 38, 39, असल भाई 3, 6, 3, 9, 6, 15, 5, 20, 26, 5, 31, 31, 5, 36, 7, 43, आया 439। रनों का योग कितना आया 439। रन किसमें बने पारियों में, जो बने पारियों में, पारियों की संख्या पारियों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी पारियां हैं 10। रनों का योग 439 और पारियों की संख्या कितनी है 10। याद क्या करना है औसत, औसत कैसे आएगा रनों का योग बट्टा पारियों की संख्या, रनों का योग बट्टा पारियों की संख्या, कितना रनों का योग 439, पारियां कितनी है 10, 439 में 10 का भाग लगा दो, एक जीरो पॉइंट लगा दो 43.9 इतना आ गया 43.9। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे।